बोर्ड एग्जाम्स में इंक्लूडेड नहीं है तो एवोल्यूशन वाले पार्ट से आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा तो इसीलिए आज के सेशन में हम सिर्फ और सिर्फ हेरिडिटी वाले पार्ट पे फोकस करेंगे उस पार्ट को रिवाइज करेंगे सो कॉन्सेप्ट काफी है टाइम है कम तो फटाफट -फड़ से स्टार्ट करते हैं हमारा आज का हेरिडिटी का रिविजन सेशन तो, सबसे पहले हेरिडिटी का मतलब समझना है राइट हेरिडिटी का मतलब क्या होता है देखो बेटा जब भी हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की प्रोसेस की तो रिप्रोडक्शन को सबसे पहले समझो कि है है क्या रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस जिसमें लिविंग अपने जैसे नए इंडिविजुअल्स बनाते हैं अब जब मैं बोलती हूं अपने जैसे तो दिस मींस के भाई बैक्टीरिया जब रिप्रोड्यूस करता है तो वो बैक्टीरिया बनाता है एल्गी रिप्रोड्यूस करता है तो एल्गी बनाता है ह्यूमन रिप्रोड्यूस करते हैं तो ह्यूमन बनाते हैं डॉग डॉग बनाता है कैट कैट बनाता है राइट right? अब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जब रिप्रोड्यूस करता है तो उस टाइम पे वो अपनी इंफॉर्मेशन अपने आगे वाली जनरेशन को पास ऑन करता है अब ये इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है ये जो इंफॉर्मेशन है डीएनए के अंदर होती है तो so बेसिकली जब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है चाहे वो ए सेक्सुअली रिपोर्ड्यूसिंग ऑर्गेनिजम हो या सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म हो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जब रिप्रोड्यूस करते हैं तो वो अपना डीएनए अपनी नेक्स्ट जनरेशन को क्या करते हैं पास ऑन करते हैं तो अगर मैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म की बात करूं तो वो अपना डीएनए कैसे पास ऑन करते हैं बेटा सिंपल सी बात है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम में क्या होता है सबसे पहले दो तो गैमीट्स होते हैं राइट एक मेल गैमीट जो कि मेल पेरेंट की बॉडी के अंदर होता है एक फीमेल गैमीट जो कि फीमेल पेरेंट बॉडी के अंदर होता है अब बेसिकली गैमीट्स हैं तो सेल ही सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होगा एंड डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन अब जब ये स्पॉम सेल एंड जब ये एक सेल का फ्यूजन होता है तो एक सेल बनता है जिसको हम बोलते हैं जायगोड जायगोड के अंदर मदर एंड फादर दोनों का डीएनए है एंड इसी जायगोड से पूरा का पूरा एक नया लिविंग ऑर्गेनिज्म बनने वाला है तो यानी कि जो नया लिविंग ऑर्गेनिज्म बनेगा उसके अंदर डीएनए होगा मेटर्नल डीएनए यानी कि मदर का डीएनए एंड पेटर डीएनए की फादर का डीएनए सो बेसिकली समझने वाली बात सबसे पहला पॉइंट ये है कि जब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बना है तो उसके अंदर क्या है अपना पेरेंट का डीएनए उसको मिला है राइट एंड जब पेरेंट का डीएनए मिला है तो ऑब्वियली बात है डीएनए के अंदर की इंफॉर्मेशन भी उसको मिली है राइट अब इसी ट्रांसमिशन को इसी ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं हेरिडिटी अब यहाँ पे कैरेक्टर क्या है बेटा देखो इंफॉर्मेशन किस चीज की है डीएनए के अंदर किस चीज की इंफॉर्मेशन है भाई मेरे बाल कैसे होंगे स्ट्रेट होंगे करली होंगे डार्क ब्राउन होंगे ब्लैक होंगे आई का कलर ग्रीन होगा ब्लैक होगा हेजल होगा ग्रे होगा सारी इंफॉर्मेशन ठीक है हमारे ऊपर से लेके नीचे तक जितने भी हमारी बॉडी के कैरेक्टर्स हैं चाहे वो बाहर के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हो या अंदर के अनोटोमिकल कैरेक्टर्स हो हमारे बॉडी के सभी कैरेक्टर्स की इंफॉर्मेशन हमारे डीएनए के अंदर है एंड जो डीएनए हम सबके अंदर है बेटा वो डीएनए हमें अपने पेरेंट्स से मिला है एंड हमारे पेरेंट्स को उनके पेरेंट्स से मिला है एंड सो ऑन करते करते बेटा ये क्या हो रहा है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या होता है बेटा ट्रांसमिशन होता है का का यानी कि कैरेक्टर्स एंड इसी चीज को हम बोलते हैं हेरिडिटी तो हेरिडिटी क्या है हेरिडिटी इज द पासिंग ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू और वन जनरेशन टू द नेक्स्ट अब जैसे कि हमने बात करी कि भाई कैरेक्टर्स की क्या हो रही है ट्रांसमिशन हो रही है बट जब कैरेक्टर्स की ट्रांसमिशन होती है तो यहाँ पे एक चीज और नोट करने वाली ये है कि कैरेक्टर्स वेरी भी तो करते हैं भाई आंखों का कलर तो सबका है है ना आई कलर एक कैरेक्टर है बट उस कैरेक्टर में वेरिएशन देखने को मिलता है किसी का एक कलर ब्लैक है किसी का डार्क ब्राउन किसी का ग्रे किसी का ग्रीन किसी का ब्लू राइट तो कैरेक्टर है आई कलर एक कैरेक्टर है बट उसके वेरिएशन देखने को मिलते हैं भाई एक सिंपल सी चीज है तुम कार खरीदने गए ठीक है अब जब तुम कार खरीदने जाते हो तो वहां पे वो बोलते ना आपको कौन सा वेरियंट लेना है राइट right? तो जैसे गाड़ियों में अलग अलग वेरिएंट आते है, कोई कोई हैं के अंदर है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की हम बात करें तो हमें किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के अंदर वेरियंट देखने को मिलते हैं राइट right? किसी सेम प्लांट के अंदर हम देखें तो किसी का फ्लावर रेड है तो किसी का व्हाइट भी हो सकता है किसी का वायलेट है तो किसी का व्हाइट राइट right?

भाई बायोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेस हैं ठीक है अलग अलग ब्रांच में, so में हम अलग अलग चीजों के साथ डील करते हैं स्टडी करते हैं सो दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें हम हेरिडिटी ठीक है हेरिडिटी इन वेरिएशन के बारे में पढ़ते हैं दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज नोन एज जेनेटिक्स अब जेनेटिक्स जो ये टर्म है ये टर्म क्वेंग किया था विलियम बैटसन ने

उनके अंदर वेरिएशन कम देखने को मिलते हैं एज कंपेयर टू सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऐसा क्यों देखो बेटा रिप्रोडक्शन में क्या है single parent involved है सिंगल सिंगल पेरेंट तो पेरेंट का ही डीएनए आगे क्या हो गया है इनहेरिट हो गया है तो वहां पे जो थोड़े बहुत वेरिएशन आए होंगे वो तभी आए होंगे जब डीएनए के अंदर कॉपिंग हुई होगी रिप्रोड्यूस रिप्रोड्यूस करने से पहले एंड उस टाइम पे अगर डीएनए में कोई थोड़ा बहुत एरर वगैरह हुआ तो वो आगे पास ऑन हो गया वेरिएशन देखने को मिला हमको नेक्स्ट जनरेशन में बट जब हम सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग से दो अलग अलग जगह से है तो ऑब्वियसली तो बात है वेराइटी ज्यादा है वेरिएशन आने के चांसेस ज्यादा है राइट तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर वेरिएशन ज्यादा देखने को मिलते हैं राइट चलिए अब इंपॉर्टेंस क्या है वेरिएशन की हम एग्जैक्ट सेम टू सेम इंफॉर्मेशन आगे पास ऑन क्यों नहीं कर रहे ठीक है या फिर अगर वेरिएशन आ भी गए तो क्या उससे कोई खतरा है सो देखो बेटा वेरिएशन दो, दोनों तरीके के हो सकते हैं यूजफुल भी हो सकते हैं नॉन यूजफुल भी हो सकते हैं बट हम यहां पे उसका एडवांटेजेस डिस्कस कर रहे हैं तो देखो बेटा द ग्रेट एडवांटेज ऑफ वेरिएशन टू है? डीएनए में ऐसे changes आ जाते हैं कि वो changes उस पर्टिकुलर स्पीशीज को उस particular organism को चेंजिंग एनवायरमेंट में सर्वाइव करने में अडेप्ट करने में मदद करते हैं नेक्स्ट वेरिएशन हेल्प्स इन इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्पीशीज राइट अब देखो बेटा अगर हम अपना ही एग्जाम्पल क्यों ना लें जैसे हम आज दिखते हैं हम लाखों साल पहले ऐसे नहीं दिखते थे उन्होंने बार 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 रिप्रोड्यूस किया जब भी उन्होंने रिप्रोड्यूस किया डीएनए में चेंजेस आए डीएनए में चेंजेस आते गए कैरेक्टर्स चेंज होते गए कैरेक्टर्स चेंज होते 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 हम क्या नई नई स्पीशीज बनती गई हम धीरे धीरे इवॉल्व होते गए राइट एंड ये भी प्रोसेस अभी रुकी नहीं है आगे आने वाले लाखों सालों में हो सकता है हम ऐसे ना दिखे हम थोड़े बहुत और कुछ अलग दिखे तो बेटा कंटिन्यूअसली जब ये वेरिएशन आते हैं तो इवोल्यूशन होता है और वो इवोल्यूशन पर्टिकुलर न्यू स्पीशीज बनाने में मदद करता है दे फॉर्म द बेसिस ऑफ हेरिडिटी राइट हेरिडिटी का बेसिस ही क्या है बेटा वेरिएशन है न्यू कैरेक्टर्स आर प्रोड्यूज इन द ऑर्गेनिज्म बाय वेरिएशंस बिल्कुल जब बेटा वेरिएशंस आते हैं तो नए कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं जैसा कि हमने कहा वो कैरेक्टर किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए यूजफुल एंड नॉन यूजफुल हो सकते हैं अब हम यहाँ पे ट्रेड्स की कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं तो देखो बेटा किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के कुछ ना कुछ ट्रेड्स होते हैं राइट अगर मेरे सामने यहाँ पे कोई डमी खड़ी कर दी जाए या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई ह्यूमन बींग को खड़ा कर दिया जाए और मुझे कहा जाए कि आप इसके ट्रेड्स को बताइए ठीक है तो मैं बोलूंगी हाँ जी भाई इनके हेयर का कलर ब्लैक है इनकी स्किन का कलर वीटिश है राइट इनकी आई का कलर डार्क ब्राउन है अच्छा इनके हेयर करली हैं ठीक है एंड मैं क्या बोलूंगी इनके जो लोब्स हैं वो फ्री है तो मैं इनके कैरेक्टर्स बताने लगी ठीक है अब ये सब जो कैरेक्टर्स मैंने बताए ये कैरेक्टर्स कहीं ना कहीं उनको अपने पेरेंट्स से मिले हैं उनकी स्किन का कलर क्या है उनके हेयर का कलर क्या है उनकी आई का कलर क्या है बालों का टेक्सचर क्या है ये उनके कुछ कैरेक्टर्स हैं ठीक है थीके? अब मैंने उनसे बात करी उन्होंने मुझे अपने बारे में बताया तो मुझे पता चला कि अच्छा इनका एक कैरेक्टर ये भी है कि ये बहुत अच्छा डांस करते हैं ये बहुत अच्छी स्विमिंग करते हैं ये बहुत अच्छी ड्राइविंग करते हैं ठीक है जी और मैंने देखा कि इन्होंने अपना ईयर पियर्स करा रखा है ठीक है तो इन्होंने अपना जो पिना है ईयर का जो लोब होता है ठीक है इन्होंने ये पियर्सिंग करा रखी है ये भी तो उनका एक कैरेक्टर है ना मान लो मेरे मैं उनसे बात कर रही थी तो एक और कोई इंडिविजुअल आया उन्होंने से हाथ मिलाया और मैंने कहा कि अच्छा आपके कैरेक्टर्स डिस्कस करते हैं तो कैरेक्टर्स को क्या करना शुरू किया कंपेयर करना शुरू किया तो जो जो दूसरे इंडिविजुअल आए थे उनके जो ईयर था वो तो पियर्स नहीं था जैसे लड़कियां समझती हैं ठीक है ये जो ईयर है ये इसको पियर्सिंग बोलते हैं राइट तो एक ने करा रखी है एक ने नहीं करा रखी तो यहाँ पे कैरेक्टर है ना अब एक के पास वो कैरेक्टर है एक के पास कैरेक्टर नहीं है तो बेटा अब यो जो मैंने किया, ये क्या है? है। अब मैं उसको कहा तो तो वो वो, तो यार इसको तो बहुत अच्छी स्विमिंग एंड ड्राइविंग आती है आपको तो नहीं आती तो उसने क्या किया उसने ट्यूशन क्लासेस लगवा ली स्विमिंग और ड्राइविंग सीख ली तो उसने वो कैरेक्टर एक्वायर कर लिया राइट तो इसी के बेसिस पे इसी के बेसिस पे क्या है बेटा हम दो तरीके के कैरेक्टर्स को हम क्या करते हैं हम डिस्कस करते हैं ठीक है दैट इज एक्वाड ट्रेड्स एंड इनहेरिटेड अब जब मैं उनका कंपैरिजन कर ही रही थी तो मैंने कहा कि अरे इनकी इनकी जो ईयर लोब है वो तो फ्री है आपका अटैच्ड है अब इसमें तो वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो तो इन in, इनहेरिट हुआ है पेरेंट से मिला है तो कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो हमें अपने पेरेंट्स से मिलते हैं राइट right? मैंने कहा कि यार इन इंडिविजुअल की आंखों का कलर तो बहुत ब्यूटीफुल है ग्रीन है आपका तो ब्लैक है ठीक है अब वो क्या करेगा अब आप कहोगे मैम मैम आजकल तो लेंस लेंस कार्ड पे वो वो मिलते हैं, आ, लेंस मिलते हैं हैं लगा लेगा बट मैं नेचुरल नेचुरल बात बात कर रही हूं, ना? मैं बात कर रही रही है ना मैं वो अपने पेरेंट्स से उसको इनहेरिट हुआ है तो इसी के बेसिस पे बेटा क्या किया गया है हमारे जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको दो कैटेगरीज में क्या किया गया है क्लासिफाई किया गया है एक्वायर्ड ट्रेड्स एंड इनहेरिट ट्रेड्स ठीक है जो ट्रेड्स बेटा इनहेरिट होते हैं ठीक है पेरेंट से नई जनरेशन में एंड जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जो कैरेक्टर्स इनहेरिट होते हैं ट्रांसमिट होते हैं पास ऑन होते हैं उन कैरेक्टर्स को हम इनहेरिटेड ट्रेड्स बोलते हैं बट कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो पास ऑन नहीं हो सकते ठीक है उनको हम एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन नहीं कर सकते ऐसे कैरेक्टर्स को हम एक्वायर ट्रेड्स बोलते हैं तो बेटा फॉर एग्जाम्पल मान लो एक आंटी जी हैं उन्होंने अपने कानों में एक दो तीन चार पांच छह पियर सिंह करा रखी है ठीक है अपना नाक भी छिदा रखा है ना उनके जो भी बच्चे होने वाले, उनके भी कान छदे होंगे नाक छिदे होंगे ना? हो तो ना के के नाक छदे होंगे समझ रहे हो एंड मान लो कोई अंकल जी हैं भाई उनको बहुत अच्छी स्विमिंग आती है बहुत अच्छी ड्राइविंग आती है अब इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि कल जब बच्चा होगा तो वो दूसरे दिन ही उठा के गाड़ी चलाना शुरू कर देगा उसको वो चीज अक्वायर करनी पड़ेगी वो चीज सीखनी पड़ेगी समझ रहे हो ठीक है तो एक्वायर ट्रेट्स ट्रांसमिट नहीं हो सकते इनहेरिटेड ट्रेट्स ट्रांसमिट होते हैं पास ऑन होते हैं ठीक है जी अब जो एक्वायर ट्रेट्स होते हैं इनको एक्वायर किया जाता है आफ्टर बर्थ ठीक है एंड ये तो क्या है बेटा ये तो इनहेरिट होते हैं चलिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं पियर्सिंग ऑफ ईयर लर्निंग ऑफ डांस म्यूजिक मस्कुलर बॉडी ठीक है रेसलर भाई एक रेसलर है उसने बहुत अच्छी बॉडी बना ली है सिक्स पैक एब्स बना लिया है अब इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि जब उनके बच्चे होंगे तो उनके भी सिक्स पैक एप्स होंगे ऐसा तो नहीं है हाँ हो सकता है वो आगे जाके मेहनत करे उसके भी बन जाए बट ये एक ट्रेड्स है बट जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा ईयर लोब का अटैच होना फ्री होना कर्ली हेयर होना आई का कलर ये सब क्या है बेटा इनहेरिटेड ट्रेड्स है ठीक है जैसा कि आप यहाँ पे फोटो में भी देख पा रहे हो इतना समझ आया वेरी गुड आगे चलते हैं बेटा आगे चलते हैं अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं बेटा जो हमें डिस्कस करने हैं ठीक है जो हमें डिस्कस करनी है बेटा डीएनए क्या है सबसे पहले ये समझते हैं देखो बेटा हमारा सेल है ठीक है हमारी बॉडी में ढेर सारे सेल है अगर हमें एक सिंगल सेल को निकाल लू और उस सेल के न्यूक्लियस के अंदर देखो तो न्यूक्लियस के अंदर लंबा सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम डीएनए बोलते हैं डीएनए स्टैंड्स फॉर डी राइबो न्यूक्लिक एसिड अब इस डी राइबो न्यूक्लिक एसिड की हम बात करें तो इसके अंदर इन्फॉर्मेशन होती है किस चीज की हमारे कैरेक्टर्स की मेरी आंख का कलर क्या होगा स्किन का कलर क्या होगा बालों का कलर क्या होगा नाक की शेप क्या होगी लिप्स की शेप क्या होगी हर चीज की इंफॉर्मेशन हमारे इस डीएनए के अंदर होती है अब ये जो डीएनए होता है बेटा ये इस तरीके से स्कैटर्ड पड़ा रहता है जब ये ऐसे स्कैटर्ड पड़ा रहता है हमारे न्यूक्लियस के अंदर तो उसको हम बोलते हैं क्रोमैटिक बट सेल डिविजन के टाइम पे सेल डिविजन के टाइम पे ये जो डीएनए है एक जगह पे एक जगह पे मतलब

हमारा डीएनए क्या है हमारा डीएनए बहुत बड़ा है इसके बारे में हर चीज के बारे में इंफॉर्मेशन है ठीक है छोटे छोटे सेगमेंट्स में में छोटी छोटी चीजों के बारे इंफॉर्मेशन है ठीक है छोटी छोटी छोटे छोटे सेगमेंट्स डीएनए मतलब डीएनए बहुत बड़ा है इस डीएनए में छोटे 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 क्या है बेटा सेगमेंट्स हैं और हर सेगमेंट में किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में क्या है इंफॉर्मेशन है दैट सेगमेंट ऑफ डीएनए जिसमें किसी पर्टिकुलर ट्रेड के बारे में इंफॉर्मेशन होती है उसको हम बोलते हैं जीन राइट तो हमारे हमारे डीएनए में आई कलर का जीन है ठीक है स्किन के कलर का जीन है हेयर के टेक्सचर का जीन है हर चीज का जीन हमारी बॉडी में लगभग हमारे हमारे डीएनए के अंदर लगभग 20000 जीन्स प्रेजेंट है, ठीक है एंड क्रोमोसोम्स की बात करें तो टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं 23 पेयर्स होते हैं 23 पेयर का मतलब बेटा ये है कि हर क्रोमोसोम की एक दो कॉपीज होती हैं ठीक है ठीके? दो कॉपीज होती हैं जब मैं दो कॉपीज की बात करती हूं तो यहाँ पे, मैं न, diploid, तो पे, मैं पे, मैं पे जब मैं बात करती हूँ दो कॉपीज बट जब मैं बात करती हूँ किसकी जब मैं बात करती हूँ हैप्लॉइड सेल की तो हेप्लॉइड सेल में बेटा एक क्रोमोजोम की सिर्फ एक ही कॉपी होती है ठीक है एक क्रोमोजोम की सिर्फ एक ही कॉपी प्रेजेंट होती है तो डिप्लॉइड डाय मतलब टू ठीक है हर क्रोमोसोम की दो कॉपीज हैप्लोइड मतलब सिंगल ठीक है चलिए बेटा डिप्लोइड हैप्लोइड भी हमने डिस्कस कर लिया नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलील तो बेटा जब हम ऐसे डिप्लोइड सेल्स की बात करते हैं तो जैसा मैंने कहा कि हर क्रोमोसोम की दो कॉपीज है ये दो कॉपीज कहां से आई देखो बेटा ये दो कॉपीज कहां से आई एक मैटरनल

एंड जो मदर से आया उसमें मदर के जीन्स जो फादर से आया उसके फादर के जीन्स ठीक है अब फॉर एग्जाम्पल बेटा फॉर एग्जाम्पल क्या है फॉर एग्जाम्पल ये मान लो बेटा एक क्रोमोजोम है मान लेते हैं हम क्रोमोजोम नंबर 15 है हमारी बॉडी में जो क्रोमोजोम नंबर 15 है एक मदर से आया एक फादर से आया दोनों क्रोमोजोम नंबर 15 है दोनों क्रोमोजोम नंबर 15, 15 पे एक स्पेसिफिक पॉइंट पे क्या है इन्फॉर्मेशन आई के कलर का अब मदर का डीएनए ये कह रहा है कि आई का कलर ग्रीन होना चाहिए ठीक है उसमें उस, उस चीज की इंफॉर्मेशन है जीन में फादर का डीएनए जो फादर का क्रोमोजोम है, फादर का जीन ये कह रहा है कि पे आई आई का 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 कलर कलर ब्लैक होना चाहिए तो आई का कलर का जीन है बट उसके दो वर्जन है दो वेरियंट है ठीक है दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स है अब इन्हीं दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ डीएन जीन्स को हम बोलते हैं एलील्स इन्हीं दोनों अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन्स को हम बोलते हैं एलील्स जीन क्या है आई कलर का बट आई कलर का क्या है वेरिएंट है एक आई कलर का जो जीन है उसका वेरिएंट ये कह रहा है कि आई का कलर ग्रीन होना चाहिए एक कह रहा है ब्लैक होना चाहिए तो दो ये अल्टरनेटिव फॉर्म्स जो है ना जीन की उसी को हम एलील्स बोलते हैं ठीक है तो हर डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होते हैं बेटा हर पर्टिकुलर कैरेक्टर के दो वर्जन होते हैं दो एलील्स होते हैं अब इन दोनों में से क्या होता है हमेशा एक डोमिनेंट होता है एंड एक रिसेसिव होता है मतलब किसी भी कैरेक्टर की जब हम अलील की बात करते हैं तो उसमें एक कैरेक्टर या एक अल डोमिनेंट हो सकता है एक रिसेसिव हो सकता है तो जब मैं बात करती हूँ डोमिनेंट की एंड रिसेसिव की तो बेटा डोमिनेंट वो हो गया जो स्ट्रांग है डोमिनेंट वो हो गया जो स्ट्रांग है एंड रिसेसिव वो हो गया जो वीक है तो बेटा जैसे कि एग्जाम्पल लिया हमने ग्रीन का एंड ब्लैक का तो इसमें क्या होगा बेटा जो ब्लैक वाला जो कैरेक्टर है वो क्या है डोमिनेंट कैरेक्टर है वो ग्रीन वाले से क्या होगा जीत जाएगा क्योंकि वो स्ट्रोंगर कैरेक्टर है वो स्ट्रोंगर सॉरी स्ट्रॉगर अलील है वो डोमिनेंट अलील है ठीक है तो आई आई कलर एक कैरेक्टर है एंड ब्लैक आई कलर जो वेरिएंट है जो अलील है वो क्या है वो डोमिनेंट है ग्रीन कलर आई के ऊपर तो ग्रीन कलर आई रिसेसिव हो गया एंड ब्लैक कलर आई जो हो गया वो डोमिनेंट हो गया ठीक है चलिए तो जब हम बात करते हैं इन अलील्स की तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर हमने कहा कि भाई दो 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 कॉपीज हो सकती हैं तो ऐसा हो सकता है कि जो दो कॉपीज ठीक है तो बेटा फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल एक एक लेती हूँ एक कि बेटा हमेशा कैपिटल लेटर से क्या करते हैं हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं ठीक है जब भी मैं लिखूंगी कैपिटल लेटर दैट मीन के वो पर्टिकुलर कैरेक्टर क्या है डोमिनेंट है और अगर मैं लिखूंगी स्मॉल लेटर से यानी कि वो रिसेसिव कैरेक्टर है यानी कि डोमिनेंट प्रेजेंस में रिसेसिव अपना एक्सप्रेशन शो नहीं कर पाएगा ठीक है तो बेटा यहाँ पे यहाँ पे हम एक जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे लिख लेते हैं ठीक है एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिख रही हूँ बेटा जहां पे कैपिटल टी डोमिनेंट कैरेक्टर है तो वो प्लांट क्या हो जाता है टॉल हो जाता है एंड जहां पे स्मॉल टी है तो वहां डॉफ हो जाता है ठीक है चलिए अब आप मुझे साथ साथ बताएंगे कि ये क्या है बेटा ये एक मेरे पास होमोलोगस होमोलोग हो गए होमोलोगस मतलब एक दूसरे की कॉपी हो गए ठीक है तो अब इसमें क्या होगा बेटा इसमें देखो एक कैपिटल टी है एंड दूसरा भी कैपिटल टी है ठीक है कैपिटल कैपिटल टी टी ठीक है तो ये ऑर्गेनिज्म में क्या है इस पे भी डोमिनेंट ये भी ये भी कह रहा है कि टॉल होना चाहिए ये भी कह रहा है टॉल होना चाहिए तो बेटा ये जो प्लांट होगा ये जो प्लांट होगा इसको हम बोलेंगे ये प्लांट कैसा हो जाएगा टॉल हो जाएगा एंड इस कंडीशन को इस कंडीशन को हम बोलेंगे होमोजाइगस होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन होमो मतलब सिमिलर ठीक है दोनों क्रोमोसोम्स पे सिमिलर डोमिनेंट डोमिनेंट वाला अलील है तो होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन हो गई ठीक है भाई चलिए आगे चलते हैं इसमें क्या है बेटा इसमें भी कैप स्मॉल टी टी इसमें भी स्मॉल तो दोनों पे रेसेसिव है ठीक है दोनों पे रेसेसिव है तो इसका जो हो गया ये भी स्मॉल टी ये भी स्मॉल टी तो बेटा अब मैं इस कंडीशन को क्या बोलूंगी इस कंडीशन को मैं बोलूंगी होमोजाइगस रिसेसिव

एंड इस कंडीशन को इस कंडीशन को हम बोलते हैं इस कंडीशन को हम बोलते हैं हेट्रो जाइगस कंडीशन इस कंडीशन को हम बोलते हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन ठीक है बेटा चलो तो डोमिनेंट अलील रिसेसिव अलील हो गया होमोजाइगस कंडीशन भी होगी बेटा ये दोनों होमोजाइगस है यानी कि दोनों पे सेम सेम अलील्स हैं ठीक है होमोजाइगस कंडीशन को हम प्योर कंडीशन भी बोलते हैं हेट्रोजाइगस में क्या होता है बेटा अलग अलग अलील्स होते हैं एक डोमिनेंट एक रिसेसिव फिनोटाइप इन जीनोटाइप क्या देखो बेटा ये एक पर्टिकुलर कैरेक्टर है पर्टिकुलर कैरेक्टर बेटा क्या है कैरेक्टर हाइट ऑफ दी प्लांट अब इस हाइट ऑफ द प्लांट की अगर हाइट मतलब हाइट की बात करें तो ये जो प्लांट है ये टॉल है ये प्लांट जो है बेटा ये क्या है टॉल है तो टॉलनेस क्या हो गया बेटा इसका फिनोटाइप हो गया ठीक है ये भी क्या है ये भी इसका फिनोटाइप हो गया ये क्या है बेटा ये ड्वार्फ है ये ड्वार्फ है ये भी इसका फिनोटाइप हो गया ठीक है ये भी इसका फिनोटाइप हो गया बट ये टॉल कैसे वाला टॉल है कैपिटल टी कैपिटल टी टी वाला टॉल है तो ये इसका जीनो टाइप है ये इसका जीनो टाइप है दिस इज दीनो टाइप ठीक है तो इसका जेनेटिक कॉम्बिनेशन क्या है ये इसका जीनो टाइप है ठीक है अब ये भी टॉल है ये भी टॉल है दोनों का फिनोटाइप सेम है टॉल टॉल ये इसका जो कैरेक्टर है जो हमें दिख रहा है बाहर से टॉल दिख रहा है बट दोनों का जीनोटाइप अलग है ये कैपिटल टी कैपिटल टी वाला टॉल है और ये कैपिटल टी स्मॉल टी वाला टॉल है तो बेटा दोनों का फिनोटाइप सेम है बट दोनों का जीनोटाइप अलग-अलग है तो जीनोटाइप मतलब जीनोटाइप मतलब हमारा जेनेटिक कॉम्बिनेशन एंड फिनोटाइप मतलब जो हमें बाहर से दिख रहा है यानी कि एक टॉल एक डॉफ एक टॉल ठीक है ये चलिए बेटा अब ये चीज जो हमें भी हम डिस्कस कर रहे हैं कि एक स्ट्रॉन्ग होता है एक वीक होता है ये सारा कॉन्सेप्ट मेंडल ने दिया था मेंडल को हम फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं इन्होंने पी प्लांट पी प्लांट जिसको हम गार्डन पी बोलते हैं मटर पनीर वो मटर की बात हो रही है बेटा इसको हम पाइसम सेटाइवम भी बोलते हैं इसका साइंटिफिक नेम उन्होंने इस पे काम किया था क्यों काम किया क्योंकि इस प्लांट की जो लाइफ साइकिल होती है वो छोटी होती है ठीक है तो जल्दी जल्दी प्लांट्स ग्रो हो सकते हैं एनुअल प्लांट है बेटा कम टाइम में ज्यादा हम प्लांट्स को स्टडी कर सकते हैं इस प्लांट के अंदर क्रॉस और सेल्फ पॉलिनेशन दोनों हो सकती है ठीक है तो ऑब्वियस सी बात है गैमीट्स का फ्यूजन हम ज्यादा हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं उसने सेवन पेयर ऑफ अलील्स को स्टडी किया था ठीक है जैसे कि प्लांट की हाइट होगी फ्लावर का कलर हो गया पॉड का शेप हो गया सीड uh, का शेप हो गया उसने ऐसे सात कैरेक्टर स्टडी करे थे में बेटा, of क्या होते तो इन्होंने क्या किया बेटा कुछ तरीके के क्रॉसेज वगैरह करे क्रॉसेज वगैरह करे पहला क्रॉस जो उन्होंने किया वो था मोनो हाइब्रिड क्रॉस मोनो हाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है बेटा मोनो मतलब सिंगल तो यहाँ पे एक बारी में उन्होंने सिंगल क्या किया सिंगल कैरेक्टर को उन्होंने स्टडी किया सिंगल कैरेक्टर को जब स्टडी किया तो बेटा उसको हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोला इसमें इसमें उन्होंने क्या किया बेटा एक एक प्योर टॉल प्लांट ले लिया प्योर टॉल मतलब कैपिटल कैपिटल टी टी और एक प्योर डॉफ प्लांट ले लिया स्मॉल टी स्मॉल टी अब कैपिटल टी एंड स्मॉल टी वाले को जब उन्होंने क्या कराया जब उन्होंने उसको गैमिट्स को फ्यूज कराया तो एक प्लांट बना एक कैपिटल टी स्मॉल टी बेटा कैपिटल टी स्मॉल टी में ऑब्वियस सी बात है ये कैसा प्लांट होगा ये टॉल प्लांट होगा टॉल प्लांट बना अब इन्होंने इसी प्लांट के इसी प्लांट के गैमिट्स को लिया ठीक है एंड मतलब इसी में से उन्होंने क्या लिया इसी में से उन्होंने मेल uh, गैमेट लिया इसी में से फीमेल गैमेट लिया उनकी सेल्फिंग कराई मतलब उन, उनको फ्यूज कराया जब उनको फ्यूज कराया तो बेटा उनको उन्होंने उनको चार तरीके के प्लांट्स मिले ठीक है कुछ कैपिटल टी कैपिटल टी वाले थे जो कि ऑब्वियस सी बात है टॉल थे कुछ कैपिटल टी स्मॉल टी वाले थे जो भी ऑब्वियस सी बात है टॉल कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी टॉल थे एंड ये स्मॉल टी स्मॉल टी ये क्या था डो था ठीक है तो उनको जब उन्होंने देखा देखने में उनको क्या मिले दो तरीके के प्लांट्स मिले ऑब्वियस बात है तीन टॉल एक डॉफ तो ये इसका फिनोटिपिक रेशियो हो गया बट जब, जब जीनोटैप की बात करते हैं तो भाई कैसे वाले टॉल प्योर टॉल एक था दो हाइब्रिड थे हाइब्रिड मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी यानी कि हेट्रोजाइगस कंडीशन और एक डॉफ था इसी को हम क्या बोलते है? हैं बेटा फिनोटिपिक जीनो रेशियो जीनोटिपिक रेशियो ये तो उन्होंने जब एक कैरेक्टर स्टडी किया तब की बात थी अब जब इन्होंने इसको स्टडी किया तो उन्होंने एक लॉ दिया जिसको हम लॉ ऑफ क्या बोलते हैं लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बोलते हैं जिसमें कि लॉ ऑफ डोमिनेंस में उन्होंने ये कहा कि भाई जब भी कोई ऑर्गेनिज्म क्या करता है रिप्रोड्यूस करता है तो जो उसमें फर्स्ट जनरेशन होती है उन दोनों में से किसी का एक ही कैरेक्टर क्या होता है खुद को एक्सप्रेस कर पाता है एंड जो कैरेक्टर खुद को एक्सप्रेस कर पाता है उस कैरेक्टर को हम बोलते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर तो बेटा यहाँ पे एक टॉल था एक डॉफ था दोनों में से कौन खुद को एक्सप्रेस कर पाया टॉल तौल, तो टॉलनेस जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है डॉफ के ऊपर ये बात उन्होंने अपने लॉ ऑफ

ठीक है यानी कि जो येल्लो है वो ग्रीन के ऊपर डोमिनेंट है एंड जो राउंड है वो रिंकल्ड के ऊपर डोमिनेंट है अब जब उन्होंने इसको एक सेल्फिंग कराई तो उनको ये एक तरीके के गैमिट्स मिले इन गैमिट्स को जब उन्होंने एक कॉम्बिनेशन सभी तरीके के प्लांट्स को एक दूसरे से क्या कराया जब उन्होंने गैमिट्स को एक दूसरे के साथ फ्यूज कराया तो उनको इस तरीके का चार्ट देखने को मिला एंड चार्ट मतलब चार्ट मतलब उनका ये उनका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था कि भाई हर बारी क्या होता था उनको नाइन येलो राउंड थ्री ग्रीन राउंड थ्री येलो रिंकल्ड एंड थ्री वन ग्रीन रिंकल्ड प्लांट्स देखने को मिलते थे तो ये फिनोटिपिक रेशियो उनको क्या देखने को मिला डाई हाइब्रिड क्रॉस में देखने को मिला तो उन्होंने इसके बाद उन्होंने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में उन्होंने कहा कि फर्क नहीं पड़ता कि दो कैरेक्टर्स हो या तीन कैरेक्टर्स हो हर कैरेक्टर अपने आप में क्या होता है जब उनके गैमिट्स बनते हैं तो उसको दूसरे कैरेक्टर से फर्क नहीं पड़ता कि कौन से टाइप का कैरेक्टर साथ में आ रहा है तो यह बात उन्होंने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में कही थी ठीक है बेटा इसके अलावा इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन सेक्स डिटर्मिनेशन में बेटा ये डायग्राम हमारी एनसीआरटी में दिया हुआ है बट पेपर में पूछा जाता है तो आपको यह वाला डायग्राम बनाकर आना है तो बेसिकली होता क्या है बेटा कैसे डिसाइड होता है कि कोई भी जो प्रोजेनी बनने वाली है जब कोई भी ह्यूमन बींग रिप्रोड्यूस करेगा तो उस टाइम पे मेल मेल चाइल्ड होने वाला है या फीमेल चाइल्ड होने वाला है ये कैसे डिसाइड होता है तो सबसे पहले बेटा हमको ये समझना होगा कि जब हम हम बात करते हैं ह्यूमन बींगस की तो उनके पास टोटल 46 सिक्स क्रोमोजोमी सिक्स क्रोमोजोम हैं लास्ट पेयर ऑफ क्रमोजोम सेक्स क्रमोजोम कहलाता है जब हम सेक्स क्रोजोम की बात करते हैं तो यानी कि वो क्रोमोजोम जिससे जेंडर डिसाइड होता है किसी ऑर्गेनिज्म का अब बेटा जैसे कि मैंने कहा ये पेयर होता है तो अगर हम मेल मेल पेयर की बात करें तो बेटा मेल पेयर जो होता है मेल्स में जो सेक्स क्रोमोजोम का पेयर होता है वो होता है एक्स वाई

फादर का एक्स सेक्स बनता है एक्स सेक्स मतलब फीमेल बनती है ठीक है अगर वाई क्रोमोजोम वाला स्पर्म सेल एक्स क्रोमोजोम वाले मदर के एक्स सेल से क्या हो जाए फ्यूज हो जाए तो एक्स मतलब वाई मतलब तो, तो क्या बना बेटा एक्स वाई चलिए बेटा अगर एक्स क्रोमोजोम वाला अगेन बेटा सेम चीज एक्स एक्स का आ गया तो फीमेल बन गया अगर एक्स वाई हो गया तो मेल बन गया तो बेटा हमेशा 50 परसेंट चांसेज होते हैं फीमेल चाइल्ड के फिफ्टी परसेंट चांसेस होते हैं मेल चाइल्ड के ठीक है तो यहां पे समझने वाली बात यह है कि बेटा मदर के पास जो एक्स सेल्स होते हैं उनमें हमेशा एक्स क्रोमोजोम ही पाया जाता है तो ये डिपेंड करता है हमेशा फादर के स्पर्म सेल्स के ऊपर कि जो स्पर्म सेल फर्टिलाइज हो रहे हैं उनके अंदर कौन सा क्रोमोसोम है क्योंकि उन्हीं के बेसिस पे डिसाइड होता है कि जो सेक्स होगा मेल या फीमेल वो क्या होने वाला है सो यू कैन शो दिस टाइप ऑफ चार्ट इन योर एग्जाम राइट सो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन नाउ वी विल गोइंग टू मीट इन द नेक्स्ट क्लास तब तक अपना ख्याल रखिए बाय बाय